अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरे तमाम यूट्यूब के दोस्तों और सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्ते। उनसे निवेदन है कि आप मेरा चैनल हमेशा देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। आज का विषय है ट्रैकिंग विथ रिलीजिंग स्नेक। तो हम लोग ट्रैकिंग के लिए भी जा रहे हैं और स्नेक को रिलीज भी करेंगे उसके साथ में। ये हमारे मित्र हैं लखन नायक, तो ये उड़ीसा में रहते हैं। तो इत्तफाकन ये बेंगलोर आए हुए थे, तो बेंगलोर से दांडली कम से कम 6 घंटे का रास्ता है। तो ये इन्होंने सोचा कि लगे हाथ मुझसे भी मिला जाए और ये मुझसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो इनके आने के वक्त रात में मैंने ये रेस्क्यू किया था। एक है हॉर्नेट फ्लाइंग स्नेक और ये है फोर्स टेंस कैट स्नेक। इसको हम पहले यहाँ से जाएंगे जंगल ट्रैकिंग करते हुए। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने दोस्त को, अपने भाई को अपने साथ ट्रैकिंग पर ले जाऊं और उसी वक्त हमारे को ये सांप भी मिला हुआ है और इनको रिलीजिंग का प्रोग्राम भी इसमें हम शामिल कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग विथ स्नेक रिलीजिंग इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ शामिल हो जाइए और हम लोग यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। ट्रैकिंग का आप हमारे साथ में एंजॉय कीजिए। बाकी का जो सांप के विषय में मैं और लखन नायक जी आपको जहां पर हम इसको रिलीज करते हुए बाहर निकालेंगे उस वक्त बताएंगे। चलो चलते हैं थोड़ी देर ट्रैकिंग करते हुए। मतलब से यहां पास भी जो हम जा रहे हैं कितना डिस्टेंस, मतलब कितनी दूरी तक हम लोग ट्रैकिंग करेंगे और सामने कोई नदी या तो कुछ है कि जहां पे कुछ पर्टिकुलर ऐसा स्पेस मिले कि जहां हम इसको छोड़े और ये अगेन अपना पुनर्वास जीवन में। हाँ, मैं आप समझ गया। आप हमेशा क्वेश्चन करते थे, आपके पीछे का सीन बहुत मजा अच्छा लगता है। निराली सीनरी होती है, नदी का नाला और झरने होते हैं। तो मैं उसी को ध्यान में रखते हुए वहां तक ट्रैकिंग करने का इरादा किया हूँ। अच्छा, तो उधर तक मैं आपको ट्रैकिंग पर ले भी जा रहा हूँ। तो अभी हमारे कैमरामैन को थोड़ा आगे जाने देते हैं ताकि हम किस पगडंडी से गुजर रहे हैं आपको पता चलेगा। तो अभी यहाँ से कुछ दूरी पर जाने के बाद हमको एक छोटी सी नदी, पहाड़ी नदी जो बरसाती नदी है, वो हमको मिलेगी। और ये नदी कुछ ज्यादा अरसे तक अपने साथ में पानी लेकर रहती है और इसमें पानी भरपूर रहता है और इतना मनोहर दृश्य आपको दिखाई देगा। उस नदी को पार करके हम जाएंगे वहां पर मेरे मित्र संदीप। अच्छा। उनका घर है, उनका गांव है, करीबन 10 से 20 घर होंगे। तो इतनी सी छोटी सी गांव में हम लोग जाएंगे जहां पर मैंने एक 16 फीट का किंग कोबरा रेस्क्यू किया था। तो उनको उस जगह के मैं लखन भाई को दिखाना चाहता हूँ, दर्शन कराना चाहता हूँ उस एरिया के। तो अभी हमारे मित्र हैं जो मेरे साथ में कंपनी में जॉब करते हैं। ये कलंदर है, ये सुपरवाइजर है, एज ए सुपरवाइजर जॉब करता है केमिकल में। जो हमारी पेपर मिल है, पेपर तैयार होता है उसके ऊपर जो कोटिंग चढ़ता है वो कोटिंग ये लोग बनाते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा सारे व्यूअर्स को, वंस अगेन मेरे तरफ से नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ इस दांडली में, एक्चुअली ये जो रजाक सर जी हैं, ठीक है, ये इतने एक्सपर्ट हैं स्नेक से रिलेटेड एंड मेनली ही इज नोन एज ए एक्सपर्ट ऑफ किंग कोबरा, मास्टर ऑफ किंग कोबरा। सो इन दिस फॉरेस्ट देर आर लॉट ऑफ किंग कोबरास, इवन अलॉन्ग विद दैट वाइल्ड एनिमल्स लाइक लेपर्ड, एलिफेंट and many more elements as well as the peacocks are is available, and 2-3 peacocks I saw on the way when I was coming for trekking. तो ये सारे चीजों से मैं इंस्पायर होकर इनकी वीडियो देखते हुए और सारे व्यूवर से मैं ये निवेदन करता हूँ कि आप भी इनका वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये नेचुरल वातावरण है और ये प्लेस जो बोला जाता है इसको दांडली बोलते हैं और ये कर्नाटक में उपलब्ध है। और देख रहे हैं कि कैसे घने झाड़ियों के बीच से हम लोग अपने आप को सेफ्टी महसूस करते हुए, और इनके साथ में जो हमारे टीम है वो टीम भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कर्नाटक में एक प्लेस है जिसका नाम है दांडली और ये उतने ही सुंदरता है और इसको कर्नाटक की कश्मीर भी कहा जाता है। यस यस, तो है कि नहीं? हाँ, सही, सही, सही है बात। तो मैंने इनकी वीडियो देख के इंस्पायर होकर मैंने उड़ीसा से डिसाइड किया था कि जब भी मैं कर्नाटक जाऊंगा और इनसे मैं मिलूंगा। और जैसे कि सर ने बोले कि कल इन्होंने मुझे रिसीव किए और रिसीव करने के बाद सडनली इमीडिएटली इनके घर पे मुझे बैठा के एक रेस्क्यू कॉल आया जहां जाके इन्होंने 2 स्नेक कैच करके आए हैं और टाइम की शॉर्टेज होने के कारण ये उनको पर्यावरण में रिलीज नहीं कर पाए। तो आज हम इस वक्त आ रहे हैं, इसको संपूर्ण पर्यावरण में रिलीज करेंगे एज वेल एज ट्रेकिंग का भी अनुभव लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत थोड़ा लंबा भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग बने रहिए और भरपूर मनोरंजन इसमें लीजिए। और मैं आशा करता हूँ आप लोग भी एक दिन विजिट कीजिए और आगे की जो प्रक्रिया है हमारे रजाक साहब बताएंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं फिर। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसको रात को रेस्क्यू किया, रात में अंधेरा होने की वजह से ये हम लोग इसका वीडियो नहीं बना पाए। यहाँ पर देखिए, ये जो एक गड्ढा खोदा हुआ है, ये जो इधर पर गड्ढा है, ये गड्ढा जो है ये जंगली सुअरों ने इसको खोदा है। यहाँ से खोद के इधर पूरा जो टर्माइट्स होते हैं और ये जो कच्चा बाम्बू का जो नया नया कोपलें उगती है, बाम्बू की कोपलें जो होती है वो नरम और स्वादिष्ट होती है, उसकी कई आदिवासी लोग सब्जी भी बनाते हैं, तो उसको बहुत चाव से खाते हैं जंगली सुअर। तो इसको हम रात में ही देख सकते हैं, अगर जंगली सुअर हो तो दिन में वो दिखाई नहीं देंगे, रात में वो एक्टिव होते हैं। चलो अभी हम आगे चलते हैं। बैम्बू की जो कलियां, जिसको इंग्लिश में बैम्बू शूट्स बोलते हैं, हाँ वही वही है। हाँ वही वही। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे लग रहा है कि नदी का आवाज और ठंडी हवा से हमें पता चल रहा है कि हम नदी के आसपास हैं, तो कोई बेहतरीन सा प्लेस देखते हुए और अपने आप को सेफ्टी जोन में रखते हुए आगे की जो प्रक्रिया हम लोग शुरू करेंगे। जंगल में सेफ्टी वही है, हम लोग अपने आप को अलर्ट रखें, अपनी आंख, अपना दिमाग और अपनी कान इसको हमेशा अलर्ट रखें। कान से जो भी सुनाई दे उसको परखने की कोशिश करें, आंख से जो दिखाई दे उसको समझने की कोशिश करें। यानी कि मेरी बेटी कहती है कि आंख खोल कर देखिए और कान खोल कर सुनिए, तो देखिए और सुनिए, इसको हमको सही तरीके से फॉलो करना है। आपको दिखाई दे रही है जंगली नदी है, पहाड़ी नदी है, तो हम लोग इसके किनारे पर कुछ पथरीला जगह है वहां पर इसको रिलीज कर देंगे। अच्छा। और हो सके तो अंधेरे में हम लोग को गांव जाना, गांव में अपने संदीप के खेत में पहुंचना पड़ेगा। तब तक, जब तक उजाला है तब तक इसको हम छोड़ देते हैं जी। जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए किस तरीके का नजारा आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। ये देखिए, ये ब्यूटीफुल प्रकृति का, कुदरत का नजारा आपको देखने के लिए और कहीं मिले या ना मिले, हमको जरूर मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हर कोई ऐसे माहौल में एक बार विजिट जरूर करें, ताकि आपको शहर की मतलब भीड़ भाड़ से आपको ऐसी भी कोई दुनिया है जहां पर हम लोग ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन लेकर जी रहे हैं। तो यहाँ पर इंसान की उम्र कुछ लंबी होती है जंगल में, जहाँ पर कारखानों का धुआं, गाड़ियों का धुआं। वो देखो भाई, मोर उड़ रहा है। हाँ, ये पिकॉक है। मैंने पिकॉक को ये देखो, और एक उड़ रहा है, बेहतरीन नजारा है। और शाम के समय इन लोग शायद अपने अपने रैन बसेरा में जा रहे हैं। वो है, सुपर, सही कहा आपने, है ना। तो इस टाइप के नजारे बहुत कम दिखने के लिए मिलते हैं। और जैसे कि आजकल जो रोजमर्रा की जिंदगी है और जितने स्ट्रेस रहते हैं हम लोग ऑफिस लेवल में काम करके, तो एक दो दिन अगर हम बाहर ऐसे निकलते हैं तो खुद को भी बहुत अच्छी लगती है। हाँ। और कुछ ऐसा लगता है कि हाँ कुछ देखे, कुछ किए, मतलब से ये जो कुदरती नजारा है ये टोटली अलग है। क्यों ना जो बोल रहा, सही है। ये एकदम सही। एक ड्रिंक गिरा हुआ है जो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत दिख रहा है। ये मुझे लग रहा है कोई, ये नहीं, मेल का है। ये वाला जो है इसका मतलब डेकोरेट पंख नहीं है। अच्छा। ये उड़ने वाला पंख है जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ये इससे इसको पावर मिलता है उड़ने के लिए। देखिए कितना एरोडायनामिक। दांडली में जो नजदीक की जो पहाड़ी नदियां है, हाँ, तो दांडली में तो क्रोकोडाइल बहुत है। हाँ। तो क्या इसमें भी क्रोकोडाइल रहने की संभावना रहती है, कभी कभार आ जाती है, कैसा है? भूले बिस्तरे क्रोकोडाइल आ सकता है। अच्छा। जो भी बच्चे होते हैं क्रोकोडाइल के जी, वो छोटे छोटे नाले और छोटे छोटे पॉन्ड, जो पानी का खड़ा हुआ जगह होता है उसी में वो नर्सरी बनाती है उनकी, मदर मगरमच्छ जो होती है वो जी, क्योंकि उनको बड़ी नदी में खतरा होता है बड़े बड़े मगरमच्छों से जी, और तो उनमें जो पावरफुल होता है उसको अच्छे प्लेस मिलता है जहाँ पर शिकार ज्यादा हो। अच्छा। और खाने की मछलियाँ वगैरह ज्यादा हो वहाँ पर दबंग मगरमच्छ जो होता है वो होता है। वो छोटे मगरमच्छ उसको दिखाई दें तो वे उनको प्रतिद्वंदी समझता है अपना जी, जी। अपने आहार में ये होड़ लगा रहा है, इस होड़ में मैं इसको मार के आगे आ सकता हूँ और अपने आहार की अपने लिए ही बचत कर सकता हूँ, इस तरीके की इनकी सोच होती है जानवरों की, प्राणियों की। तो उसमें उनको खतरा होता है तो वो ऐसे उस वक्त ये नाले और नदियों में वो आ जाते हैं छोटे बच्चे, मतलब अपनी जान की रक्षा करते हैं। हाँ, और फिर से वो दूसरे गति की ओर अपना पर्यावरण में आ सकते हैं, वो दूसरे मार्ग में मतलब से चल बैठते हैं। हाँ, हम लोग सामाजिक प्राणी है तो हमको समाज में रहना है जी। और हमारी शक्ति अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से बढ़ती रहती है जी। तो चलिए, मुझे अच्छा प्लेस लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है इसको रिलीज करने के लिए। हाँ,
व्यूअर से यही अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को जितना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, ताकि न्यू न्यू नया नया चीजें जो अपलोड हो रही है वीडियो में, सबसे पहले आप यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचे। और बस इसी के साथ ही रात बहुत हो रही है दोस्तों, तो हमें जल्द से जल्द हम लोग रिलीज करना है, तो कुछ बातें मैं रिलीज करते वक्त आप लोग को बताता हूँ, तो कृपया वीडियो में बने रहिए। अभी मैं इसको रिलीज करने का मौका हमारे लखन नायक भाई को दे देता हूँ, क्योंकि अपने पर्यावरण में जाने के लिए व्याकुल है ज्यादा। इसको क्या है, मूवमेंट उतना नहीं करना जी, हाथ पर आया तो हाथ पर चढ़ने देना। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत ये बताएंगे लखन जी। तो व्यूवर्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ऑर्नेट फ्लाई स्नेक है मेरे हाथ में, ठीक है, और ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत अद्भुत, रेयर। मेरे जीवन काल में अभी तक मैंने खाली टेलीविजन के माध्यम से और गूगल के माध्यम से स्नेक के बारे में जब मैं पढ़ाई करता था, तब मैंने इसको खाली पिक्चर और छवियों के माध्यम से देखा, और पहली बार ये अद्भुत नजारा मैं देख रहा हूँ। मुझे मौका मिला दिखाने का, हाँ, जो रजाक सर ने, और जैसे ही मैं आया उसी वक्त ही ये सडनली इसको पकड़े हुए थे, और पकड़ते हुए आज मुझे रिलीज करने का ये अवसर मिल रहा है, ठीक है। इसका नाम है ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक, और इसको जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये इसकी कुल लंबाई मेरे ख्याल से 29 इंच से लेके 69 इंच तक होती है, ठीक है। और इसको हिंदी में कुछ जगह पे तक्षक नाग के नाम से जाना जाता है। जो भाई देखें, जो भाई और बहन लोग जो देखे हैं, जो व्यूवर्स देखे हैं इस सांप को पहले, उसको तक्षक नाग के नाम से जाना जाता है। ये जो सांप है बंगाल में ज्यादातर इसको काल नागनी कहते हैं, काल नागनी, तक्षक नाग। लोग बोलते हैं कि ये बहुत खतरनाक है, डस ले तो आदमी बचता नहीं है, इसकी कोई इलाज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो है पहली बार मैं इस सांप को हैंडल कर रहा हूँ, और हैंडल करते हुए भी मुझे इसके बारे में बताते हो, अभी तक मेरे को अपने हाथों में यकीन नहीं हो रही है कि मैंने ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी खास आदत क्या है कि ये बहुत फ्लाई करता है, एक दूसरे से दूसरे जगह तक ये मतलब कि जंपिंग करते हैं, और इसकी जो मुख्य आहार होती है वो मेंढक और छोटे छोटे बर्ड्स, जैसा हाँ, चिड़िया के अंडे और लिजर्ड सबसे ज्यादा, लिजर्ड है ना। और ये इस अंचल में डांडली में मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कि क्या मेरे को अभी तो पहले ही बार में मिल रहा हूँ इस सांप से, और सुंदर प्राणी को अपने इन हाथों से हम पर्यावरण में आज रिलीज कर देंगे, और शायद ऐसा दोबारा ये जो अद्भुत मौका हमें मिलेगा कि नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज हमारे सर के साथ आने का सपना जो था पूरा हो गया, साथ साथ ये दुर्लभ जो रेप्टाइल से इसको देखने की मुझे अवसर मिला, जिसके कारण मैं इनकी बहुत बहुत आभारी रहूंगा। तो दोस्तों कुछ बातें हमारे सर बताएं। तो अभी ये देखिए, इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये अभी गोलाकार में है, लेकिन इसको जब जंप करना है तो ये अपने बॉडी को चपटा करेगा, फैलाएगा, तो फैलाने के बाद में ये जंप करने के बाद में एरोडायनेमिक हो जाएगा, प्लेट की तरह, यानी कि एक पट्टी की तरह हो जाएगा। अच्छा, तो पट्टी की तरह होके ये करेगा, और ये फीमेल है, ये मेल नहीं है, फीमेल है, हाँ ये फीमेल है जी जी। ये फीमेल इसलिए है कि ये फीमेल जो है इसके अंदर फीमेल बड़ी होती है, तो इसका जो लिंग बाहर नहीं आ रहा तो ये इसका सबूत है कि ये फीमेल है। और इस और ये नॉन वेनमस का और सेमी वेनमस का पहचान है कि जिगजैग होता है दुम का, जो इसका वेंटिलेशन के बाद, वेंटिलेशन के पहले एक एक लाइन होता है इसका, जो स्ट्रिप्स होता है उसमें एक एक लाइन होता है, ये उसकी चलने के पैर भी कहलाते हैं। अच्छा, तो इसी से वो चलता भी है, और ये जो है पूंछ का जो जिगजैग है इससे चलने के लिए इतना उपयुक्त तो नहीं होता, लेकिन इसमें ताकत बहुत होती है, और मैंने इसको जब रेस्क्यू किया था तब ये गाड़ी में से निकालते वक्त कितनी ताकत लगाया था, आपको ये वीडियो आपने पहले देखा होगा। अच्छा, तो अभी ये देखिए, ये जब उड़ता है तो ये अपने बॉडी को एकदम चपटा कर देता है, और यश के आकार में ये एकदम जंप करता है, और इस तरीके से ऐसा ऐसा ये जाके जंप करते हुए अपने शिकार को, जो लिजर्ड जो फ्लाइंग गेको है, इसके पहुंच में आते आते जब जंप मार जाता है तो इसी के साथ ये भी जंप कर देता है। तो अभी इसको मैं शायद पेड़ के ऊपर छोड़ना सही रहेगा, तो यहाँ पर ये पेड़ दिख रहा है, वो देखिए पेड़, तो ये पेड़ के ऊपर छोड़ देता हूँ। तो ये पेड़ के ऊपर किस तरीके से क्लाइम करता है आप देख सकते हैं, जंप करने के लिए ही ट्राई कर रहा है, तो इसको इसके अंदर छोड़ देता हूँ। हाँ ये देखिए साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये ऊपर जाने के मूड में नहीं है, फिर भी वो नीचे की ओर बढ़ते हुए ये इस तरफ आया, देखिए कैसे जा रहा है ये। ये अभी हम लोग अपने फोर स्टेंस कैचने की तरफ चलते हैं,
ये कभी कभार एग्रेसिव भी रहते हैं, अभी इसका स्वभाव किस तरीके का है हमको पता नहीं। कैट स्नेक इसको क्यों कहते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। कैट यानी कि बिल्ली, बिल्ली यानी कि बैक बोलते हैं कन्नड़ में, बैक बिल्ली को बैक बोलते हैं, बैकू, और इसको मराठी में मांजर बोलते हैं, मांजर सर्प बोलते हैं इसको। तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ये शर्मीला है, ये साउंड आ रहा है इसका, आप इसका साउंड सुन सकते हैं। ये जब तक हो सके इसको हम लोग, जब ये शांत हो जाएगा तभी इसके ऊपर थोड़ा हम लोग फोकस करेंगे। अब इसको मैं धीरे से अपने आदत बैठाने की कोशिश करता हूँ। ये अभी ज़्यादा छटपटा रहा है, जहाँ तक हो सके हमको स्थिर रहना चाहिए। हम जितना स्थिर रहेंगे और इसको ही मूवमेंट करने देंगे तो इसका हम स्थिर होने का वेट कर सकते हैं आपसे। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका आप आंख देखें, ये आंख देखिए इसका, बिल्ली की तरह से जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ना, हाँ, इस टाइप का रहता है, इसका वो तो हॉरिजॉन्टल को बढ़ा सकता है, छोटा कर सकता है, छोटा कर सकता है, उस टाइप का है। तो इसीलिए इसको कैट स्नेक कहते हैं, यही मैं बताना चाहता था। और इसके ऊपर देखिए ये मार्क है इसका, फोर्सटेंस कैट स्नेक के ऊपर इस तरीके से स्ट्रिप्स होता है, ये इसका शरीर में इस तरीके से डिजाइन होता है। इसको आप ध्यान से दर्शकों को दिखाएंगे तो बहुत सही रहेगा। और ये ट्री स्नेक होता है जी, जी ट्री स्नेक की पहचान आप बताओ थोड़ा। ट्री स्नेक की जो पहचान रहती है उसकी जो दुम रहती है थोड़ी लंबी रहती है, 100% और ये ज्यादातर मतलब इस त्रिकोण आकार के रहते हैं, राउंड के, हाँ, ये इनका बॉडी जो है त्रिकोण आकार का होता है, आकार के रहते हैं। और ये जो सांप जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये थोड़ा उग्र रूप धारण करता है, चापता है, हालांकि इसमें वेनम नहीं पाए जाते हैं, सेमी वेनमस होता है, सेमी वेनमस है। और ये सांप भी आज मेरे हाथ में पहली बार है, क्योंकि ये भी दुर्लभ है हमारे उड़ीसा में, और ये ज्यादातर मिलते नहीं हमारे गंजाम डिस्ट्रिक्ट में। और बेंगलोर मेट्रो सिटी में भी मैंने इतने सांप रेस्क्यू किया, स्पेक्टिकल कोबरा वगैरह, उसके बाद चेकेट किलबैक और रैट स्नेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मेनी मोर स्नेक्स आई हैव रेस्क्यूड बट नेवर लाइक दिस। और इसको छूते हुए इतना आनंद आ रहा है, बहुत सॉफ्ट स्नेक है, तो इसको मैं सांपों में सॉफ्ट होता है ना, ये बहुत सॉफ्ट है। और देखिए ये किस प्रकार से जकड़ के रखा है, ग्रिप है, अपना ग्रिप बनाया है। तो साथियों यूथ से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ और अपील है कि कभी भी कोई सांप के विदाउट जानकारी, ठीक है, विदाउट कोई एक्सपर्ट के सिवा आप जाके फ्री हैंडलिंग ना कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत जानलेवा हो सकती है, यूट्यूब माध्यम से हमारे पास एक एक वीडियो ऐसी आती है जो दिल को दहला देती है। दोस्तों हम भी किसी भी फैमिली है, ठीक है, हम अपने आप को सेव करते हुए पर्यावरण भी सेव कर रहे हैं, सही है। कुछ लोग ऐसे ऐसे रहते हैं जो सांपों के विषय में कुछ नहीं जानते हैं और उसको कौन सा सांप अचानक से जान बैठते हैं और दोस्तों की मोटिवेशन के कारण वो अपनी जान गंवा देते हैं। तो कृपया फ्री हैंडलिंग ना करें, ठीक है, इसके बारे में भरपूर जानकारी लीजिए, भरपूर जानकारी लीजिए। और आपके नज़दीकी जो भी स्नेक फेवर है या तो जो आपके आइडियल हैं, जो जिनको आप मानते हैं कि हाँ ही हैज़ द गुड नॉलेज विच ही विल डिलीवर टू अस एंड वी कैन लर्न मेनी मोर, सो प्लीज टेक द नॉलेज एंड गेट द नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट, देन ओनली यू कैन कैच द स्नेक। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। सो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया आज के समय पे, तो कृपया आपका ख्याल रखिएगा और हम भी अपना ख्याल रखते हैं। आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम लोग दूसरे वीडियो में भी मिलेंगे और जब भी मुझे मौका मिलेगा आपकी ये जो नेचुरल जो सुंदरता जो भरी हुई है कर्नाटका की कश्मीर जिसको दांडली बोला जाता है, फिर से मैं आऊँगा और फिर से रजाक जी से रूबरू होंगे और हमारे भाई साहब से और हमारे जो कैमरा मैन है उन तो लाजवाब है क्योंकि उनके माध्यम से ही आप लोग हमें देख पा रहे हैं। सही सही है, सही बात है, तो उनके माध्यम से क्रेडिट मिलना चाहिए जरूर। जी जी, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा था और कैसा लगा ये दृश्य, और आज तो मेरी पहली विजिट है तो बताएंगे हमारे रजाक साहब कुछ और इसको अपने। नहीं नहीं नहीं, आप इसको रिलीज करो पेड़ के। चलिए लखन भाई, अभी इसको उसी पेड़ पर हम लोग छोड़ने की कोशिश करते हैं, ये ट्री स्नेक है तो ये शायद पेड़ के ऊपर चढ़ा जाए और अंधेरा भी ज्यादा हो रहा है तो कहाँ यही पास में छोड़ दूँ इसको जाने। ये अगर ग्रिप पकड़ दे अच्छा तो ये हो जाता है, हाँ तो शायद इसके ऊपर से हो जाएगा, जाएगा जाएगा, छोड़ दूँ, हाँ छोड़ दो छोड़ दो। ठीक है, तो ये देखिए किस प्रकार से जा रहा है, इतना सुंदर और सॉफ्ट इसने, तो कितना ये शानदार सांप है, इसको कैट स्नेक कहते हैं। इसकी आंख आप और भी ध्यान से और एक बार देख सकते हैं, इसकी आंखों को, इसके पैटर्न को देखिए, फोर्सटेंस इसका नाम है और इसका पैटर्न को देख के हम पहचान सकते हैं। इसका जो धुंधले धुंधले से पैचेस है इसको
इसकी खास पहचान अधिकारी के रेस्क्यू के फील्ड में मत उतरें। जी जी। जहाँ तक हो सके पढ़ाई पर, यूथ जो है, यंग जो बच्चे हैं, जवान बच्चे जो हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें। हम लोग पूरा सपना करके, हमारा सपना यही था तो हमने सपना पूरा कर लिया, तो आप अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। तो आप लोग अनुकूल परिस्थिति में हो तो आप पढ़ाई जरूर करें, इसका फायदा जरूर उठाएं, और हो सके तो नॉलेज लें सांपों के बारे में। हर किसी के लिए सांपों का नॉलेज लेना जरूरी है ताकि अवेयरनेस फैले जी, और उनको कोई ना मारे, और उसकी वजह से किसी को खतरा हो रहा है तो उस खतरे से बचने के लिए जानकारी बहुत जरूरी है। और कभी भी आपको किसी भी परिस्थिति में सांप अगर दिखा तो जैसे कि हमारे सर बोले, उनको ना मारे। आपके नजदीकी में जो रेस्क्यूअर है उनको कॉल कीजिए, ठीक है, वो आएंगे और उसको वो रेस्क्यू करके पुनर्वास में छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम मेरी जिंदगी का, कम से कम 35 साल गुजर चुके हैं, मैं पहली बार ऐसा सांप अपने हाथों से पकड़ रहा हूँ जो फॉरेस्ट में दुर्लभ होते जा रहे हैं। तो इन प्रजातियों को बचाना हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी रहेंगी उन लोग देख सकते हैं, ये ना हो कि खाली किताबों में रह जाए। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो तो आगे का हम लोग ट्रैकिंग का जो हमारा इरादा है उसको पूरा करते हैं। अंधेरा होने वाला है, आप देखिए कि अंधेरे में हमको दिखाई भी देता है कुछ, या ऐसे ही डर भय और इसके साथ में हम लोग ट्रैक करके आ जाते हैं। भय तो नहीं है क्योंकि हमें पूर्व एक्सपीरियंस है इसका, तो हम बहुत बार ट्रैकिंग कर चुके हैं। अभी हम लोग ये डब्बे वगैरह इधर नहीं छोड़ेंगे, इसको हम लेकर अपने घर जाएंगे। कुदरत में अपनी चीज कभी हम नहीं फेंकते जो कि नुकसान हो कुदरत को। तो चलते हैं मेरे दोस्त के खेत में, उसके छोटे से गाँव में, मजा आएगा। उधर क्या क्या वो लोग खेती में किस तरीके से खेत में अपना अनाज वगैरह उगाते हैं वो देखने का मौका मिलेगा। चलो चलो।